दोस्तों हमारे बीच में निगम पार्षद कांग्रेस पार्टी से नगर निगम से कुमारी रिंकू जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि दिल्ली नगर निगम के जो हालात खस्ते से खस्ते हाल में हो चुकी है, दिल्ली के अंदर सफाई नाम की कुछ नहीं हो रहा। बात करते हैं इनसे कि क्या कहना चाहेंगे रिंकू जी, देखने में आ रहा है इलाके आपका बात सोचेंगे लेकिन ओवरऑल राहुल जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्वच्छ भारत अभियान 2 साल पहले मोदी जी ने स्टार्ट किया था 2014 में, और स्वच्छ भारत अभियान के तहत बहुत सारे नए कार्यक्रम लॉन्च किए गए थे, मगर सफाई व्यवस्था देखकर, पूरी दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, अपनी ईस्ट की बात नहीं कर रही, ईस्ट में तो घनी आबादी का क्षेत्र है, यहाँ पर मैं अपनी वार्ड की बात करूँ तो 22 गज में 22 लोग रहते हैं, तो सारा सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, मगर सफाई के नाम पे कुछ नया नहीं हो रहा है, सिर्फ पोस्टरबाजी हो रही है, फ़ोटो खिंचाए जा रहे हैं, अपलोडिंग हो रही है फेसबुक पे, नथिंग एल्स। तो यही कहूँगी कि लोगों को इस साथ छल किया जा रहा है, लोगों के टैक्स पेयर का पैसा है जो मोदी जी को खुश करने में लगाया जा रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। कहा जा सकता है कि दिल्ली नगर निगम पिछले 10 साल से काबिज है, मोदी जी के सपने को चकनाचूर कर रही है, स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। देखिए हमारे निगम में काम क्या है, हमारा जो सबसे बड़ा काम है वो सफाई का ही है, नाली खरंजे और सफाई, और सफाई में ही भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से काबिज है निगम में वो बिल्कुल फेल है। आपने देखा जगह जगह ढेर पड़े रहते हैं, इन्होंने कहा कि 0 लेवल पे हम लोग ढलावघर लाएंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ढलावघर 0 लेवल पर रहते हैं, इनके पास बहाने होते हैं कि आज लोडर खराब हो गए जी, आज पिंचर हो गया, आज ये हो गया, और लोगों के साथ मतलब लोगों की परेशानी इनको दिख नहीं रही। अभी आपने देखा सिर्फ बीमारी जो फैली है अभी पूरी दिल्ली में, महामारी फैली चिकनगुनिया और डेंगू की, वो सिर्फ गंदगी होने की वजह से फैली। निगम बिल्कुल फेल है, निगम के पास आपकी सफाई की व्यवस्था है और प्राइमरी हेल्थ है, प्राइमरी एजुकेशन है, और यही तीन काम सबसे मेन मतलब एक फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए होते हैं, और वही इन्हीं तीनों कामों में बिल्कुल फेल है ना, स्वास्थ्य के नाम पे कुछ दे पा रहे हैं, आपने देखा है कि किसी भी डिस्पेंसरी में प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ मिलती नहीं है, कोई मोबाइल डिस्पेंसरी नहीं आती है, आप SGN हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ की सफाई व्यवस्था भी बिल्कुल बेकार है, लोग कतारों में खड़े रहते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स ढंग से नहीं बोलते हैं किसी से, मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप मतलब मीडिया पर्सन हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, मुझे तो मैं कांग्रेस पार्टी से पार्षद हूँ इसलिए सिर्फ क्योंकि मैं विपक्ष में, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं जानती हूँ कि विपक्ष का काम होता है विरोध करना, मगर एक सार्थक विरोध करना ज़्यादा ठीक रहता है, तो मैं सार्थक विरोध ही करना चाहूँगी, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान की जैसा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर एक अच्छी, क्योंकि मैं इसका सराहना करती हूँ, एक अच्छा कार्यक्रम था स्वच्छ भारत अभियान, एक अच्छी सोच थी मोदी जी की, मगर वो धरातल पे बिल्कुल नहीं है, और धरातल पे इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली में तो एटलीस्ट नहीं है, क्योंकि दिल्ली में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है, उन्हें ये काम बहुत अच्छे से करना चाहिए था और वो नहीं कर पाए। तो हमारी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, मोदी जी के सपने को चकनाचूर किया जा रहा है, और जितना मोदी जी एफर्ट्स कर रहे हैं उतने उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो नीचे के नेता हैं, वो एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना मतलब फोटो खिंचाया, झाड़ू लगाई और हो गया, और कुछ भी नहीं हो रहा है। आप किसी भी जनता से भी पूछेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ भी तो हुआ नहीं है। बताइए मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब दुख होता है मुझे ये देख के कि ये देश की राजधानी है, क्योंकि देश की राजधानी होने के नाते मतलब यहाँ का मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाता है, पूरे वर्ल्ड में पूरी, हाँ मतलब किसी भी देश की राजधानी होती है, राजधानी मेन फोकस होती है, और दिल्ली देश की राजधानी है, हमारे भारत की राजधानी है, यहाँ पर तो हर चीज़ इतनी व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए थी कि लोग आके देखें। हमने मतलब कांग्रेस पार्टी ने एक सपना देखा था कि दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, कोशिश भी की गई, बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनाए गए, बहुत अच्छे अच्छे रोड्स बनाए गए, मगर मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के नाते और कम समय, क्योंकि इतना छोटा काम नहीं है एकदम परिवर्तन लाना,
और जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है दिल्ली को जो मतलब स्टार्ट नहीं हो पाया ढंग से, वो ये भी लगती है कि जो दिल्ली को अलग अलग एजेंसीज को दिया सौंप दिया गया कि ये काम है तो DSIDC करेगी, अनऑथराइज में DSIDC करती है, छोटे रोड्स है तो MCD काम करेगी, बड़े रोड है तो PWD काम करेगी, और सब अपना काम एक दूसरे पे डालते रहते हैं, कोई भी अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर, हाँ, जनता से निवेदन नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमारे संविधान में जनता को सबसे ऊपर माना गया है। मतलब जनता के द्वारा ही पार्टी होती है, जनता के द्वारा ही गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट अपने आप नहीं बन जाती है, जनता ही बनाती है। तो जनता हमारे यहाँ जनार्दन है, और जनता के साथ छल या धोखा करेंगे तो शायद मतलब भगवान भी उन्हें माफ़ नहीं करेगा।